नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय जैन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो अभी हाल ही में टीकाकरण के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट करी है, तो टीकाकरण के बारे में सामान्य जानकारी की। काफ़ी पेरेंट्स के बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं, क्वेरीज होती है टीकों को लेके, तो उसी क्रम में हमने आज ये वीडियो बनाया है। और इसमें हम टीकों के बारे में आज आपको बेसिक नॉलेज है, एकदम जो सामान्य जानकारी है, सामान्य जो प्रश्न होते हैं पेरेंट्स के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है और स्वाभाविक ये है कि बच्चों में टीके कब शुरू करने चाहिए। न्यूबॉर्न हुआ, डिलीवर हुआ परिवार में जब भी, तो उस शिशु को टीके कब से शुरू करने चाहिए। तो टीकाकरण की जो शुरुआत है, आइडियली आदर्श रूप से तो आपको बच्चे के 12 घंटे के अंदर आपको फर्स्ट डोज इसकी है वो लग जानी चाहिए। और शुरुआत में जो लगती है वो BCG का टीका लगता है, एक और पीले का फर्स्ट डोज लगता है, पीले का इंजेक्शन का, हेपेटाइटिस बी का, साथ में पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है। तो आइडियली तो 12 घंटे के अंदर या फिर आप 24 घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट डोज लगा लें जहाँ तक हो सके। और अगर इसके बावजूद भी कई बार कुछ परिस्थितियों में नहीं लगा पाए तो आप इसको कोशिश करें कि पहले 7 दिन के अंदर इसको फर्स्ट डोज है उसको आप लगवा लें और टीके की शुरुआत कर दें टीकाकरण की। अब जो नेक्स्ट है कि आपको जो टीकाकरण का जो ये शेड्यूल है वो किस तरह से फॉलो करना है, तो यहाँ बता दूँ कि आपको जब भी टीकाकरण की शुरुआत की जाती है तो आपके डॉक्टर आपको एक टीके का कार्ड बना के देते हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी कार्ड बना के देते हैं और गवर्नमेंट के अंदर भी ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो उसमें हर टीके के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ होता है, तो वो रिकॉर्ड आपको पहले टीके के साथ ही दे दिया जाता है। तो उसको आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि बहुत लंबा ये कार्ड चलने वाला है। क्योंकि इसमें भी यहाँ पे भी मैं बता दूँ कि टीके आपके शिशु को 10 साल तक तो कम से कम लगानी ही होते हैं, और कुछ टीके तो अब उसके आगे भी आ गए हैं, जो जैसे कि आपके ये सर्वाइकल कैंसर का टीका वगैरह है, तो ये तो बाद में भी लगाया जाता है। तो इसलिए कम से कम आपको 10 से 15 साल तक उस कार्ड को संभाल के रखना है। तो इसलिए जो भी कार्ड जब आपको दिया जाता है शुरुआत में, तो उसको बहुत अच्छे से आप सही कर संभाल कर रखें, डैमेज नहीं करें उसको, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद जो भी आपको शेड्यूल दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब जब भी आपके डॉक्टर आपको किसी टीका लगाते हैं किसी भी एज के ऊपर जो भी कुछ है, तो उसके आगे की तारीख आपको बता दी जाती है टीके के बारे में कि नेक्स्ट टीका आप कब लगेगा। और कुछ इस तरह के कुछ क्लिनिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर भी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज भी आ जाता है दो तीन दिन पहले कि आप टीका कब लगेगा आपके। पर आपके कार्ड को आपको उसको जो शेड्यूल आपके डॉक्टर ने बताया और जो कार्ड के अंदर है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब तीसरी जो एक क्वेश्चन आता है कि कई बार इस शेड्यूल को कुछ कारणवश फॉलो नहीं कर पाते पेरेंट्स और अपने बच्चे को समय पे टीका नहीं लगवा पाते, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं है। कई बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये टीका जैसे नहीं लगवा पाए तो अब ये मिस हो चुका है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप उसके बाद आप जब भी आपको अर्लीस्ट टाइम मिले आप उसको नेक्स्ट टीका अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर से लगवाएं। और यहाँ पे एक कई बार ये भी कुछ पेरेंट्स के सामने प्रॉब्लम होती है, कहीं जाना होता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ टीका जो भी शेड्यूल्ड है उसकी डेट उससे हम पहले लगवा लें क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो किसी भी दो टीकों के बीच में आदर्श रूप से मतलब 4 वीक्स का गैप होना चाहिए, 1 महीने का गैप होना चाहिए कम से कम। और ख़ास तौर से जो दो लाइव वैक्सीन्स होते हैं उनके बीच में तो डेफिनेटली 4 वीक्स का गैप होना चाहिए। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर सकते हो कि 3 से 4 दिन पहले तक आप ज़रूर लगवा सकते हैं वो टीका, नेक्स्ट शेड्यूल है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है और आपके डॉक्टर आपको नहीं लगाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये आती कि कई बार कुछ कारणवश पेरेंट्स कई महीनों तक किसी बच्चे को अपने बच्चे को टीका नहीं लगवा पाते, तो उस केस के अंदर आप ये ध्यान रखें अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। और इसमें कैचअप इम्यूनाइजेशन होता है, तो इसमें कोशिश की जाती है कि जो भी आपकी बच्चे के जो टीके मिस हो गए हैं उनको हम लोग लगाएं उसको, तो उसका थोड़ा सा शेड्यूल डिफरेंट हो सकता है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको कैचअप इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, वो आप ज़रूर से कंप्लीट करें। अब जो एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है प्रश्न कि
टीकों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आप यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अधिकतर जो भी टीके लगाए जाते हैं बच्चों के वो साइड इफ़ेक्ट्स से फ्री होते हैं, और बहुत ही रेयरली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं पर वो बहुत रेयर होते हैं। कुछ टीके ज़रूर है जैसे DPT का या जो आपका ये पेंटावेलेंट टीका है, इसमें पर्टुसिस कंपोनेंट की वजह से जो है बच्चे को 2 से 3 दिन तक दर्द हो सकता है पैरों पे, हल्की पैर में सूजन आ सकती है और तेज़ बुखार हो सकता है 2 से 3 दिन तक, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। और जैसे मिजल्स का टीका है उसका 6 से 7 दिन बाद बच्चे की थोड़ा बहुत माइनर सी रैश हो सकती है, और इसके अलावा बाकी टीकों से भी बहुत माइनर सा पेन या थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है या माइनर सा फीवर हो सकता है, इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और अधिकतर टीके बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है। और आपको डेफिनेटली सभी जो भी टीके आपको आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आपको हर हाल में लगवानी चाहिए। और हाल ही में जैसे कि अपन कोविड के बारे में भी अच्छे से आपको पता चल गया होगा, कोविड के बारे में पहले बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली थी कि कोविड के टीके से ये होता है, कोविड के टीके से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, लेकिन वो सब निर्मूल साबित हुई है। तो इसी तरीके से जो बच्चों के टीके लगाए जाते हैं ये भी अधिकांशतः बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट से फ्री होते हैं, बहुत ही रेयरली और रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड किए जा सकते हैं। अगला जो बहुत ही कॉमन सवाल है कि टीका लगाने के बाद क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी टीका लगाया जाता है आपके चिकित्सक आपको आधी घंटा बैठने की सलाह देते हैं, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं 15 से 20 मिनट तक आधे घंटे तक, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ एक टीके है बहुत रेयरली है हालांकि, पर कुछ एक टीकों से कुछ एक सीरियस एनाफिलेक्टिक सॉर्ट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो हालांकि बहुत ही रेयर होता है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है और आपको डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा टीका लगाने के बाद आपको जैसे कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे को दूध वगैरह हाथों हाथ पिला सकते हैं, कितनी देर बाद फीड वगैरह स्टार्ट करें, तो यहाँ मैं कह दूँ कि टीका लगाने के बाद बच्चे को इमीडिएटली फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई किसी तरह का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या कोई मनाही नहीं है, आप बच्चे को तुरंत दूध वगैरह या कुछ भी फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ टीके जैसे कि है DPT का टीका वगैरह है, दर्द करता है बच्चे के पैरों पे सूजन आ सकती है, तो उस केस में आप बच्चे को जो कोल्ड स्पंजिंग है या ठंडे पानी की या बर्फ़ का है वो थोड़ा सा सेक कर सकते हैं, उससे जो दर्द है उसमें बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा डेफिनेटली। फीवर के लिए कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे फीवर होता है, तो फीवर के लिए आपके डॉक्टर आपको पैरासीटामोल की ड्रॉप्स है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप जैसे आपको बताएं वो आपको 2 से 3 दिन तक ले सकते हैं आप उसको। इसके अलावा आपको कोई बहुत विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किन परिस्थितियों में हम बच्चे को टीका हमें नहीं लगवाना चाहिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो गया और वो अवॉइड करते थे बच्चे को कि अभी बच्चे को तो प्रॉब्लम हो रही है अभी क्यों टीका लगवाए इसको। तो यहाँ मैं बता दूँ कि बच्चे को कुछ बहुत ही स्पेशल कंडीशंस ही है जब आपके बच्चे को आपको टीका नहीं लगाना होता है, अदरवाइज़ आप जैसे सामान्य सर्दी जुकाम है और सामान्य कोई तकलीफ़ है, सामान्य से बुखार भी माइनर फीवर है 9900 तक है, तब भी आप अपने बच्चे को टीका लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे को कोई क्रिटिकल इलनेस है, सीरियस इलनेस है, उसको निमोनिया हो गया है या आपके बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, 102 से ऊपर बुखार है, तो उस केस में आप वेट करें और जब ठीक हो जाए बच्चा उसके बाद ही आप बच्चे को टीका लगवाएं। इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि पहला जो जब भी बच्चे को आपको टीका लगा है और उस टीके की वजह से बच्चे में कुछ जैसे कुछ इश्यूज़ होते हैं, कई बार कुछ बच्चे में जैसे फिट्स आ सकते हैं, वो तेज़ बुखार की वजह से आते हैं, या फिर कई बार कुछ DPT का वैक्सीन लगाते तो इनकंसोलेबल क्राइंग करता है बच्चा, 3 घंटे तक लगातार रोता है किसी भी टीके को लगाने के बाद या ख़ासतौर से DPT के टीके लगाने के बाद, तो उस केस में डॉक्टर आपको आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उस केस में फिर उसका ऑल्टरनेट जो है दूसरा ऑप्शन है वो टीका लगाया जाता है। तो उस वो जो प्रीवियस टीका लगा है नॉर्मल टीका वो नहीं लगाया जाता, इसमें पेनलेस टीका लगाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगला एक और कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेरी होती है पेरेंट्स की कि गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीका लगवाएं या प्राइवेट क्लिनिक में टीका लगवाएं, तो यहाँ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अपने जो इंडिया में है दो शेड्यूल फॉलो किए जाते हैं टीकाकरण से संबंधित। एक तो गवर्नमेंट का शेड्यूल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होती है, रिकमेंडेड होता है, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहा जाता है। और एक जो प्राइवेट क्लिनिक्स में टीके लगाए जाते हैं, हम लोग लगाते हैं, तो वो हम लोग IAP को फॉलो करते हैं, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, तो उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी टीके होते हैं फॉलो करते हैं। तो मैं इसमें ध्यान रखने की बात है, मेन जो मुख्यतः टीके होते हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं, बराबर होता है उनका, लगभग शेड्यूल भी सेम ही होता है, उसमें कोई बिल्कुल भी किसी मात्र में कोई डिफरेंस नहीं होता। IAP के जो है वैक्सीनेशन जो शेड्यूल होता है उसमें कुछ टीके ऑप्शनल होते हैं, कुछ टीके डिफरेंट होते हैं, और कुछ टीके गवर्नमेंट से थोड़े बहुत है, जैसे कि आपके टाइफाइड का टीका है, हेपेटाइटिस ए का टीका है, चिकन पॉक्स का टीका है, तो ये टीके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लगाए जाते हैं और इसको IAP रिकमेंड करती है और हम लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में लगाते हैं। तो कुछ टीकों के मामले में डेफिनेटली फ़र्क होता है, और जो ऑलरेडी टीके लगाए जाते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, उनमें रहा सवाल एफिकेसी का, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, वो लगभग सेम ही होता है, एकदम सेम ही होता है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में डेफिनेटली आपको कुछ ऑप्शंस बेटर मिलेंगे और कुछ ऑप्शंस ज़्यादा भी मिलेंगे, तो दैट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं, जैसे चिकन पॉक्स का या इस तरह का कुछ टीक टीका होता है, पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को तो चिकन पॉक्स हो चुका है या फला फला बीमारी हो चुकी है, तो क्या हम अब क्या इस टीके की हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चे को ज़रूरत है? तो यहाँ मैं बता दूँ कि बीमारी होने के बाद भी कई बार बॉडी में पूरी तरीके से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोई टीके से संबंधित कोई बीमारी हो चुकी है तो भी आपको उस टीके को आपको लगवाना है, और हम लोग डेफिनेटली एडवाइस करते हैं। और इसी तरीके से टीका लगाने के बाद भी, यहाँ एक मैं बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लियर कर दूँ कि नो वैक्सीन इज़ 100% इफ़ेक्टिव, कोई सा भी टीका है वो 100% नहीं होता प्रभावी, और कुछ संभावना होती है हमेशा। तो टीका लगाने के बाद भी कई बार कुछ बच्चों की बीमारी हो जाती है, जैसे मिजल्स का टीका लगाया तो मिजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स का टीका लगाया तो भी बच्चे को चिकन पॉक्स हो सकता है। तो यहाँ कई बार पेरेंट्स आके लड़ने भी लग जाते, झगड़ने लग जाते। तो इसमें यहाँ बता दूँ कि मैं आपको जो टीका लगाने के बाद जो ये डेवलप होती बीमारी वो अधिकतर मोस्टली माइल्ड फॉर्म में होती है, तो यहाँ इस टीके का फिर रोल आता है कि पहली बात तो काफ़ी संभावना, कम संभावना होती है होने की, और अगर होती है तो अभी वो माइल्ड फॉर्म में होती है। तो इसलिए क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, कोई सा भी टीका 100% प्रभावी नहीं होता है, 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता है, पर अगर उस टीके को लगाने के बाद भी कोई बीमारी होती है तो आप ये मान के चले कि वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगी। जैसे कि अपन कोविड में भी देख रहे हैं, कोविड के टीका लगाने के बाद भी कोविड की बीमारी होती है, लेकिन आपको बार बार गवर्नमेंट यही कहती है कि वो बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में होगी, क्रिटिकल इलनेस नहीं होती। तो इसी यही बात सारे टीकों पर लागू होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आज ये टीकाकरण के बारे में हमने आपको ये सामान्य जानकारियाँ दी है। आपको टीकाकरण से संबंधित और कुछ भी कुछ क्वेरीज है कुछ भी, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें, और हम आपका डेफिनेटली आपको उसको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें आप ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हम अब टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है, तो जो नीचे दिया गया लिंक है यहाँ पे आप इसको फॉलो करें, हमारे सब्सक्राइब करें हमारे इस टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे भी हम लोग जो भी चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो लेटेस्ट अपडेट्स है, जानकारियाँ वगैरह देते हैं। थैंक यू।